कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। जहां इतना कुछ दिया है वहां दुआ नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन तुम्हारी मां ने मेरे दामन में सिर्फ नफरत भरी है। दुआ करो बेटा, जारा और वजदान को कुछ ना हो, दुआ करो। डॉक्टर साहब, जारा और वजदान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनकी जान खतरे से बाहर है। थैंक्स गॉड। यान मलिक के साथ कौन है? मैडम आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। उठ मेरा बच्चा, बनाई मनाइल बेटा, उठ उठ। तू ड्राइवर के साथ घर चल बेटा, वो तुझे घर तक छोड़ देगा। ये देखें, ये मेहंदी का कलर कितना तेज आया है। तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब होता है? क्या? कि तुम्हारा होने वाला शौहर अयान तुमसे बहुत प्यार करता है। आपसे भी ज्यादा। कोई शक है मेरी गुड़िया को? बिल्कुल भी नहीं। पता है तुम मुझे बहुत याद आओगी। मैं आती जाती रहूंगी ना। रोज आओगी? बिल्कुल रोज। हाँ, वादा वादा। दोपहर का ही जीवन है ये, दोपहर की ही है खुशी, खामोश है अब ये ज़ुबान, चाह के भी ये ना। मैडम आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं।
मिनाहिल बिटिया, मिनाहिल, मेरी जान, मिनाहिल मेरी बच्ची, मिनाहिल मेरी बच्ची, या इलाही। वो आप जानती हैं, यान मुझे छोड़ के चला गया, यान चला गया वो। सिकंदर ने बताया। मैं मनहूस हूँ, मैं सब्ज कदम हूँ, मेरी वजूद की वजह से, मेरी जात की मनहूसियत की वजह से वो भी चला गया बुआ। ऐसा नहीं कहते, तुम तो उस घर की रौनक हो। आप गलत कह रही हैं बुआ, मैं किसी की खुशी की वजह बन ही नहीं सकती। मेरी जात दीमक की तरह जो लोगों की जिंदगियों को गुन लगा देती है। आप ही दूर हटे मुझसे, दूर हो जाए। मेरे जात के दायरे में जो भी आता है ना, उसे मेरी मनहूसियत मुझसे छीन लेती है। ऐसा मत कहो बिटिया, ऐसा नहीं सोचते। मैं किसी की मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ। जो पत्ते गिर जाते हैं ना, वो ना किसी को हवा दे सकते और ना चाहूं। ना मेरी जान, ना मेरी बच्ची, ना तुम मनहूस हो, ना तुम बदबख्त हो मेरा बच्चा। मैं बदबख्त हूँ बुआ, मैं मनहूस हूँ। जब छोटी थी तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, और जब बड़ी हुई तो अल्लाह ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैं बदबख्त हूँ बुआ। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। क्यों नहीं हुई? मैं कैसे इश्क करूं, मिनाहिल को लेके गए थे ना, मुझे याद है। वो लोग आए थे और मिनाहिल को लेके गए थे अब्बू। उन्होंने ना मिनाहिल को और आयान को मार दिया, मुझे पता है, उनको शूट कर दिया अब्बू। बेटा वो सब खरिये से हैं, मिनाहिल अपने घर में है और वजदान खरिये से है। तो वजदान के पास लेके चले ना मुझे। ये जो परेशानियां होती है ना हमारी, तेज हवा के झोंकों की तरह होती है। अब खिड़कियां बंद कर लेते हैं डर के मारे, लेकिन ये सारे बंद तोड़ कर अंदर आ जाती है। कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ, वजदान का है? वजदान ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो। मिनाहिल, मिनाहिल, मिनाहिल को लेके गए थे ना, मुझे याद है। वो लोग आए थे और मिनाहिल को लेके गए थे अब्बू। उन्होंने ना मिनाहिल को और आयान को मार दिया, मुझे पता है, उनको शूट कर दिया अब्बू। बेटा वो सब खरिये से हैं, मिनाहिल अपने घर में है और वजदान खरिये से है। तो वजदान के पास लेके चले ना मुझे। नहीं बेटा अभी नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि वजदान अभी कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। हाँ तो मैं लेकर चलता हूँ। हम मुझे लेकर जाएंगे ना? हाँ बेटा लेकर जाऊंगा, अपनी बेटी को जरूर लेकर जाऊंगा। अच्छा अच्छा मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो, ठीक है? फिर चलते हैं।
सिकंदर साहब, मिसेज ज़ारा वजदान के सर पे जो चोट आई है वो तो इंशाल्लाह चंद रोज़ में ठीक हो जाएगी, मगर उन्हें जो ज़हनी सदमा पहुंचा है उसके फिर से निकलने के लिए उनको कुछ टाइम लगेगा। तो क्या वो घर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, मगर आपको उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें कोई ज़हनी टेंशन ना मिले। और वजदान? आप घर जा सकते हैं, अलबत्त वजदान साहब को भी हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर। परेशानियां होती हैं ना हमारी, तेज हवा के झोंकों की तरह होती है। अब खिड़कियां बंद कर लेते हैं डर के मारे, लेकिन ये सारे बंद तोड़कर अंदर आ जाती हैं। रो मत वानी, वजदान हॉस्पिटल में ठीक होकर आ जाएंगे, इसी तरह आयान भी आ जाएंगे। परेशान मत हो, आयान नहीं आएगा। अरे आ जाएगा, मेरी अब्बू से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि आयान ठीक होकर आ जाएगा। कैसे आ सकता है सारा, आप ही मर चुका है, आयान मर चुका है सारा। दो पल का ही जीवन है ये, दो पल की ही है खुशी, खामोश है अब ये ज़ुबान, चाह के भी ये ना कह सके। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। आयान के बाद सारे अरमान खत्म हो चुके हैं, काश मैं भी उसके साथ ही मर जाती। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे, इंसान मजबूरी में अपनी तकदीर के आगे सर झुकाता है। तुम भी अपनी तकदीर के हाथों मजबूर हो।
मेरे अंदर घुटन है जारा, आप भी लोग के सब ताने, वो एक एक लव्स, वो एक एक कड़वा तंस मेरे सामने सच्चाई बन के खड़ा है। मेरी बदबख्ती मुझे हर मोड़ पर आईना दिखाती है। मुझे तो अभी आंसुओं की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इन आंसुओं से ना इंसान के अंदर की घुटन खत्म हो जाती है। एक आंसू ही तो है हमारे पास जिन पे इख्तियार है हमारा। तुम्हारा अगर दिल चाहता है ना रोने का तो तुम दिल भर के रो लो, तुम्हारे सारे गम तुम्हारे आंसू में बह जाएंगे। किस किस गम को रोऊंगी? माँ बाप के चले जाने का गम, अयान को खोने का गम, अपने होने का गम, हम कैसे मेरे आंसुओं के साथ बह सकते हैं? तुम्हें पता है जब बहुत हफ्स हो जाता है ना तो बारिश होना बहुत जरूरी होती है। और देखा बारिश के बाद हर चीज उजली और निखरी नजर आती है हमें। जब तुम्हारी आंखों के आगे से इन आंसुओं का पर्दा हटेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के मोहताज है। मेरी बात मानती हो ना? इन आंसुओं को पूछ लो। मैं कैसे इश्क करूं? कब तक यूं ही सोग बनाती रहोगी? जाने वाला चला गया और जो लोग जिंदा हैं उन्हें तुम्हारी जरूरत है, जैसे जारा को। मैं शाम को जारा को राधिक को छोड़ने के लिए जा रहा हूं उसके घर। तुम भी हमारे साथ चलना। अभी मेरी बेटी के जहन पर हादसे का असर मौजूद है। अभी तो शायद संभल भी जाए। क्यों मैं कभी भी सास्ते के सर से बाहर नहीं आ सकूंगी? वो मेरे पूछा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम साथ साथ रहोगी तो एक दूसरे का ख्याल रख सकोगी। ये जितने भी गम के पहाड़ तुम पर टूटे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी माँ है। अब क्या कहूँ? खुद तो मर गई, अपना किया कराया छोड़ गई, जिसका खमियाजा उसकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। क्या मेरी माँ ने बुरा किया था आपके साथ कि उसकी सजा मेरे काले नसीबों में लिख दी गई है? बेटा मैं क्या बताऊँ, जब माँ बाप जाते हैं ना तो जायदाद छोड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे गुनाह जिनका खुमियाजा उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तुम्हारी माँ की जुबान की कड़वाहट तुम्हारे नसीबों में घुल गई है। ऐसा क्या किया था मेरी माँ ने ताया जान? अरे छोड़ो, जाहिर है तुम अपनी माँ के खिलाफ बात तो नहीं सुन पाओगी ना। और ना मेरा इतना दिल छोटा कि मैं माँ का इंतकाम बेटी से लूं। कुदरत ले रही है ना इंतकाम, मैं क्या कर सकता हूं? भला आप मेरे बुरे नसीबों का क्या कर सकते हैं?
अब देखो ना, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता था कि तुम्हारी तरबियत अच्छी करता, तुम्हारी शादी अच्छी जगह करता। सो वो मैंने की। तुम फिर अपने ताया के पास उसकी जिम्मेदारी बनकर आ गई हो। ये तो है, मैं फिर बोझ बन के आपके पास आ गई। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ऐसा क्या करो कि कभी कभी वहां चली जाया करो। हादी तुमसे मानूस है ना। हम सबको मिलकर एक दूसरे का दिल बहलाना है। ठीक है बेटा, तैयारी रखना, शाम को जाएंगे। उदासी भरी है इस पूरे घर में। मेरा तो जी ही नहीं चाहता खाना पकाने को, पर क्या करें, जिंदा रहने के लिए खाना भी पड़ता है और पकाना। अरे शुक्र है मेरी बच्ची, मेरी बिटिया अपने कमरे से बाहर तो आई, अब अपने गम से भी बाहर आ जा मेरी जान। बुआ एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। सच बताएंगी ना? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला। अगर कोई बेटी अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सुनकर आपसे तस्दीक करना चाहे तो आप उसका दिल रखने को तो झूठ बोलेंगी ना? अरे बिटिया आपका दिल बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ है हमने, तो मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी। तुम पूछो क्या बात। फिर बताएं क्या मेरी माँ बहुत बुरी औरत थी? बताइए ना बुआ। अरे ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने जो आज हम भूल कर भी नहीं भूल पाते? क्या कोई हक मारा है मेरी माँ ने उनका? अरे नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जरा वो जबान की कड़वी थी, लोग दूर भागते थे उनसे, और कुछ भी नहीं मेरा बच्चा। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो किसी के चले जाने के बावजूद उसे माफ न किया जा सके? बिटिया कभी कभी बात गलत नहीं होती, उसके कहने का अंदाज गलत होता है। चलो छोड़ो पुरानी बातें, तुम्हारा जी जलाने को नए जख्म क्या कम है कि हम पुराने जख्म को रेतते रहें। छोड़ दो मेरा बच्चा, पुरानी बातें छोड़ो, ठीक है? जाके तुम आराम करो।
मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है मेरा बच्चा? जाओ जाओ शाबाश। बताइए ना मानी खाला, आप बोलती क्यों नहीं? ताया जान गए हैं ना, बस आते होंगे वजदान भाई। तो हम प्ले लाने चलेंगे। मानी खाला, आपने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? मानी खाला, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? मुझे भूख नहीं आती। आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे छोड़ के नहीं गई, वरना मैं बहुत रोता। मानी खाला, बाबा कब आएंगे? बताइए ना मानी खाला, आप बोलती क्यों नहीं? ताया जान गए हैं ना, बस आते होंगे वजदान भाई। तो हम प्ले लाने चलेंगे। मानी खाला, आपने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? क्या चले छोड़े, मैं आपको एक चीज दिखाऊं? दिखाओ। ये देखे मानी खाला मेरी दुल्हन। आप बैठो, मैं आपके लिए नूडल्स बना के लेकर आती हूँ। जारा बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत तुम्हें वापस लौटा दी। तुम ठीक हो? आराम से बेटा। जी बाबा। ठीक है ना? हाँ बेहतर हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र। जीता रहे मेरा बच्चा, अल्लाह लंबी उम्र अता करे मेरे बच्चे को। आमीन आमीन। मैं अपने बच्चे के लिए ना गर्मा गर्म दूध लेके आती हूँ, है? अभी लाई। बुलाती हूँ। हादी, बाबा आए। हादी बाबा। मेरा बेटा। बाबा बाबा, आपको क्या हुआ? पहले भी तो बैठो। तो मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? फिर आपको ये चोट कैसे लगी? आप हॉस्पिटल क्यों थे? जैसे खेलते थे आपको चोट लग जाती है ना, खुद ऐसी बाबा को भी लग गई। तो साहब मेरी कोई तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है मैंने हॉस्पिटल में आपको इतना मिस किया।
आदि बेटा जा बेटा अपने कमरे में, बाबा रेस्ट करेंगे। ठीक है, आई मिस यू। और बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ूं? नहीं बेटा, मैं ले जाता हूँ। सारा भी, आपका ध्यान किधर है? देखिए सारा दूध उबल के गिर रहा है। क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस चक्कर आ रहे हैं। अच्छा आप जाके आराम करें, किचन में देख लेती हूँ। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। सर में ठीक हो जाएगा। जानती हो एक कंपेनियन की जिंदगी में होना कितना जरूरी है, इस बात की अहमियत का अंदाजा मुझे अब ज्यादा हो रहा है। आप भी मेरे लिए बहुत अहम। बताए, उस दिन मुझे लगा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। ये बात मुझे सारी रात सोने नहीं देती। इस खौफ से मैं सारी रात जागती हूँ। इस खौफ को दिल से निकाल दो, अब मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। वो बस एक हादसा था जो गुजर गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? यकीन नहीं आता। तो यकीन कर लो, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी मौत को हरा दिया। अपनी मोहब्बत पे तो यकीन है ना तुम्हें? आप मेरी मोहब्बत और आपका हो नहीं मेरा यकीन। चलो लेट जाओ, बस हर तो बात है। सब ठीक हो जाएगा। आदि बेटा बहुत वेकेशंस बना लिए, कल से स्कूल खुल रहा है। अरे वाह भाई वाह, कल से हमारी बेटी के स्कूल खुल रहे हैं? जी नाना, वेकेशन जो खत्म हो गई है। और मैं सोचा था कि कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूं। हाँ बेटा इंशाल्लाह, जरूर क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हें सेहत कामला से नवाज रखे। अब्बू कुछ दिन और रुक जाते, इतना मजा आ रहा था। हाँ वैसे सही कह रही है, आप लोग थे तो घर में रौनक लगी हुई थी, अब आप लोग चले जाएंगे तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, है ना? अभी अच्छा तो है कि जितनी जल्दी भी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाए। थैंक यू बुआ। हाँ भाई, जारा बिटिया के हाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। हम तो कहते हैं अपने घर चलते हैं, जाके अपना घर संभालें, है ना बिटिया?
मामा मुझे मानी खाला के साथ जाना है। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना है। बेटा अब अच्छे बच्चे हो रहे हो, हम दोबारा आएंगे आपसे मिलने के लिए। चुप करके पढ़ाई शुरू करो, बहुत खेल लिया आपने। ओके अब वो मेरा कप भी पास कर दे। अरे थैंक यू बहुत। हेलो, वालेकुम सलाम। जी हाँ, अच्छा लिसन, आप उसे प्लीज सिक रूम में बिठाइए, मैं अभी आ रही हूँ फॉरन पिक करने। थैंक यू। क्या हो गया मैडम, रोड के बीच में खड़ी क्या सोच रही हो? पता नहीं मैं कौन हूं। क्या कर रही हो? कहां थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैंने कितने कॉल्स किए। ओके, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम सुनसान जगह पे क्या कर रही थी? कौन है आप? सारा, मैं फर्जदान। मैं आ क्यों आई थी? हां सारा, तुम मुझे बताओ कि तुम यहां क्या कर रही हो इस सुनसान जगह पे? हां मुझे कितना परेशान कर दिया था। मैं तुम्हें कब से ढूंढने जा रहा हूं, हर जगह चेक किया मैंने। प्लीज डोंट डू दिस अगेन। मेरी माँ ने बुरा किया था आपके साथ, कि उसकी सजा मेरे काले नसीब में लिख दी गई। बेटा मैं क्या बताऊँ, जब माँ बाप जाते हैं ना तो जायदाद छोड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे गुनाह जिनका खुमियाजा उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तुम्हारी माँ की जुबान की कड़वाहट तुम्हारे नसीबों में घुल गई है।